प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे वक्त आते रहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं, जीवन में कभी बुरा समय ही ना आए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही गरीब मजदूर था। वो था तो बहुत गरीब लेकिन मेहनती था। उसके परिवार में उसकी माँ, पत्नी और एक बेटा था, जो एक छोटे से झोपड़ी में रहकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। वह रोजाना घर से 10 किलोमीटर दूर शहर में जाकर मजदूरी करता था और शाम को घर वापस आ जाता था। मजदूर जितना कमाता था उतने में ही वो खुश था। घर में सभी सुबह शाम एक साथ बैठकर भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे। उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मजदूर का बेटा बीमार पड़ गया। पास के शहर में उस बालक को ले जाया गया। डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर कुछ टेस्ट करवाने को कहा। टेस्ट रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 2 लाख रुपए खर्च आएंगे। उस बेचारे मजदूर के लिए अस्पताल और डॉक्टर आदि का खर्चा दे पाना बहुत ही मुश्किल था। मजदूर दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि जोर जोर से रोने लगा। भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे। हमेशा की तरह सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति से भगवान की प्रार्थना करने लगा। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। तभी अस्पताल के कुछ कर्मचारी आए और बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मजदूर दंग रह गया। उसने तो इलाज के 2 लाख दिए भी नहीं थे, फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे हो गया। ऑपरेशन खत्म कर जब डॉक्टर बाहर निकला तो मजदूर डॉक्टर से पूछ बैठा। कहा, महाशय, मैंने तो 2 लाख जमा भी नहीं कराए, तो फिर आप ऑपरेशन के लिए तैयार कैसे हुए। डॉक्टर ने कहा, आपका फीस जमा हो चुका है। एक व्यक्ति जिसके हाथ में बांसुरी था, ऑपरेशन से ठीक पहले 2 लाख जमा करा गया था, तभी आपके बच्चे का ऑपरेशन हो पाया। मजदूर सब माजरा समझ गया और नम आंखों से भगवान को धन्यवाद देने लगा। इसे कहते हैं अटूट विश्वास। ये सबसे जरूरी चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। इसके अलावा गीता के 2वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख और दुख का भाव इंद्रियों से निकलता है, यानी ये सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप भविष्य में दुख का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो मेरी इन बातों पर जरूर अमल करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को सुख पूर्वक बिताने के कई उपाय बताए हैं। इन्हीं में से एक उपाय है खुद पर नियंत्रण रखना। भगवान कहते हैं, सुख के समय में व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही विनम्र और दयालु होना चाहिए। हर किसी की यथासंभव मदद करनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी हमने भी बुरा वक्त देखा है। कान्हा कहते हैं कि खुश होने पर अक्सर मनुष्य बड़ी बड़ी बातें बोलने की भूल कर बैठता है। इस कारण आगे चलकर उसके ऊपर अपने कहे हुए शब्दों को पूरा करने का दबाव बना रहता है। इसलिए अपने शब्दों के चयन में भूल न करें। भगवान कहते हैं, मनुष्य को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए,
कोई भी व्यक्ति अगर क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है और बस क्रोध ही शेष रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र हो जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि खुद पर भरोसा है तो पूरी दुनिया जीत लेंगे। अगर खुद पर भरोसा नहीं है तो पूरी दुनिया जीत कर भी हम खुश नहीं होंगे, क्योंकि हमें खुद पर भरोसा ही जीने की राह दिखाती है। भगवान कहते हैं, मन को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा ये तो अपनी ही गति से चलता रहता है। व्यक्ति का मन ही उसके बुरे समय का मुख्य कारण है। मन को हमेशा अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।